सो ये है निषाद राज घाट आगे, और बस आगे ही चलने वाले हैं तुरंत अस्सी घाट है। तो ये है पंचकोट घाट, ये दिख रहा होगा आप लोगों को। सो इसके बाद अभी चलते हैं तो देखते हैं कौन सा है। तुरंत तुरंत तो आ जा रहे हैं, दो दो मिनट के अंदर अंदर चार कदम चलते हैं उसके बाद दूसरा घाट आ जा रहा है। अस्सी घाट है तो पास रहेंगे ही, सही बात है। बस थोड़ा मौसम बस ऐसा ही रहे अच्छा सा। ये है प्रभु घाट, ये देखिए भैया लोग मस्ती कर रहे हैं। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। सो ये है प्रभु घाट। हम लोग होते तो हम लोग भी रोज नहाने आते हैं ना भैया, फिर इससे बढ़िया क्या है। हाँ। रोज गंगा माँ के पास आशीर्वाद लेते, बस बढ़िया से। कुछ यहाँ के बारे में हमें पता नहीं है। सो बस चलते जा रहे हैं और बस कौन सा ये बीच में बताइए कोई अपने रेस्टोरेंट का ऐड कर रखा। ये हम पहुँच गए अब शेर सिंह घाट। ये पहुंच गए अभी हम चेत सिंह घाट। इधर का भी थोड़ा बैक व्यू हम दिखा देते हैं आप लोग को। ये मंदिर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। अब पहुंचने वाले हैं एक और निरंजनी घाट, ये दिख रहा होगा आप लोगों को। सो इधर का भी बैक व्यू दिखा देते हैं, बोटिंग चल रही है उधर। ये दूसरी वाली बोटिंग है, दूसरी वाली नहीं है, BOTING वाली नहीं है, ये BOATING वाली है। और अब हम पहुंच गए हैं महानिर्वाणी। सो अब हम पहुंच गए महानिर्वाणी घाट, इसके बाद देखते हैं कौन सा घाट है। इसके बाद पहुंचने वाले हैं हम शिवाला घाट, इधर पे पानी। यहाँ पर डस्टबिन भी चिल्ला चिल्ला के कह रही है यूज़ मी। बट वो खाली पड़ी हुई है। अब हम इधर पहुँच गए शिवाला घाट में। सो ये है शिवाला घाट, और शिवाला घाट का ये है बैक व्यू। सो ये लोग पता नहीं कहाँ चले गए, थोड़ा सा देखते हैं हम लोग, इंतजार करते हैं। चलिए भैया आगे चलते हैं। क्यों जा रहे हैं? तो अभी हम बस पहुंच गए शिवाला घाट। शिवाला घाट ये है, तो इधर का भी एक बार बैक व्यू। और अब आगे चलते हैं दूसरे एक और घाट में।
सो ये उधर चलना है, उधर इधर से निकल चलेंगे। हाँ अपन इधर से निकल जाएंगे शायद, इधर से सरल है। हाँ सो गाइस इधर पे हमें, सो गाइस इधर पे हमारे लिए थोड़ा सा है एक टफ टास्क कि हमें इस पे चढ़ना है। तो हमारे लिए ये टफ टास्क, लेकिन हमने जैसी स्लीपर उतारी तो टास्क हो गया हमारे लिए आसान और पूरा हो गया। क्योंकि देखिए ये पूरा प्लेन और इस पर हमें उतरना मतलब चढ़ना था, तो हम लोग आ गए ऊपर। ये है कौन सा घाट, इसका नाम है गुलारिया। ये है गुलारिया घाट, गुलरिया या गुलारिया, अच्छा गुलरिया घाट, सॉरी मैंने अच्छे से पढ़ नहीं पाया था मैं, क्योंकि ऐसी हैंड राइटिंग से लिखा हुआ है ना कि थोड़ा हो जाता है। सो गुलरिया घाट, और ये गुलरिया घाट का व्यू है बैक का, इधर काफ़ी लोग नहा रहे हैं। सारे घाट ऐसे ही हैं, तो चलिए फिर चलते हैं और दूसरे में। मतलब मैं वीडियो बनाना नहीं रोक रहा हूँ, जबकि कितने भी थोड़ी वो आ रहे हैं, जैसे वहाँ पर फिसल जाता तो फ़ोन भी चला जाता और मैं भी नीचे गिर जाता। तो लेकिन हमने इसे कंप्लीट कर दिया। सो अभी पहुंच गए हैं और आगे, तो अभी हम पहुंच गए हनुमान घाट में और इधर का व्यू थोड़ा सा दिखा देते हैं। सो हनुमान घाट, अब आगे देखते हैं कौन सा है। आप लोग काउंट करिएगा और एक चीज़ बताइएगा वीडियो को देख के कमेंट में कि कौन सा आपको सबसे अच्छा लगा, है ना। सो ये आप लोग के लिए टास्क है, कौन सा घाट सबसे अच्छा आपको लगा, तो उसके लिए आपको पूरी सीरीज़ देखनी पड़ सकती है, हो सकता है ना भी देखनी पड़े। तो अभी हम पहुंच गए हैं कर्नाटक, कर्नाटक ही है ना भैया, कर्नाटक वही लिखा हुआ। सो अभी हम पहुंच गए हैं कर्नाटक घाट, तो पहुंच गए घाट ना, हम पहुंच गए अभी कर्नाटक। ये देखिए घाट अगर हटा दें तो हम पहुंच गए कर्नाटक, और इधर का व्यू ये देखिए, इधर का भी व्यू मस्त लग रहा है। सो हर जगह अच्छी है, कोई भी जगह भाई। ये है मंदिर। हे कहाँ चले जा रहे हो, कर्नाटक और नाटक बोलो। सो अभी हम पहुंच गए हैं, ये देखिए नया जगह हरिश्चंद्र घाट। सो इधर का भी एक बार व्यू दिखा देते हैं, ये है भोले बाबा का मंदिर। सो जय भोले बाबा, जय जय महादेव। और अब पहुंच गए हैं बस हम महाराजा हरिश्चंद्र का मंदिर। तो अच्छा एक चीज़ बताइए आप लोग, महाराज हरिश्चंद्र का जो है वो मतलब उनके बारे में एक खासियत कमेंट करके बताइए कि महाराज हरिश्चंद्र क्या थे। सो उनका एक मतलब एक ही बताना है आप लोग को, तो वो आप लोग बताएंगे। सो बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। ये है हरिश्चंद्र घाट, इधर का व्यू भी देखिए बैक में, मतलब सारी जगह का हर घाट का व्यू मस्त लग रहा है। तो कोई भी जगह ऐसी नहीं है कि जिसे हम मिस कर सकें और मिस करवा सकें आप लोगों को, इसलिए वीडियो बनाना अभी तक हम नहीं रोक रहे हैं एक भी। तो मौसम तो देख सकते हैं, बादल कितने लाली अच्छे लग रहे हैं। लाली घाट, ओह अभी हम पहुंच गए फिर से, ये है लाली घाट जिसका नाम है। तो अब चलते हैं और आगे, और आगे चलते हैं। सो ये रहा लाली घाट, मोबाइल चालू
अब चलते हैं और दूसरी जगह। सो देख सकते हैं इन लोग को डरना चाहिए, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं ऐसे बना के रखी हैं। मंदिर हो तो ठीक है। ओ इसका नाम विद्या मठ लिखा हुआ। सो मठ है कोई सा, इसके बारे में नहीं पता हमें, हमें तो ज़्यादातर यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता, बट जितना भी हमें देख के पता चल रहा है सारा कुछ हम आपको बता रहे हैं। सो अभी पहुँच गए हैं मंदिर, और ये है राम मंदिर भाई साहब। तो चलिए, अरे ठीक है, तो पूरा रोडिया भर बैठा घर से पड़वा जाए थे। अभी थोड़ा सा 2 मिनट का दे रहे हैं ब्रेक।